हेलो फ्रेंड्स, आज अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। लास्ट वीडियो आपने देखा कंसोलिडेशन का, मैं मानता हूँ वो वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। उसी तरीके से अपन आज डिपार्टमेंटल अकाउंट पढ़ेंगे। ये भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेहतर चैप्टर है जिसका क्वेश्चन लगभग हर एग्ज़ाम में आता है। आप ध्यान से समझिए बेसिक्स, क्या डिपार्टमेंटल अकाउंट होता है, क्या कैसे अपने को उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, क्या कुछ है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने से कोई भी चैप्टर क्लियर नहीं होता है। पहले आपको उस चैप्टर का बेसिक समझना पड़ेगा कि ओरिजिनलिटी में वो चैप्टर अपने से कहना क्या चाहता है। तो पहले कुछ मिनट आप इस चैप्टर का बेसिक समझिए जिससे आपको पता रहे क्या होता है। डिपार्टमेंटल अकाउंट किसको कहते हैं, आप ही मान लीजिए इंडिविजुअल बिजनेस जो होता है उसको डिपार्टमेंट अकाउंट कहते हैं। अब वही बिजनेस अपने को दो या तीन लेवल पर करना है, या दो या तीन अलग अलग लोग कर रहे हैं, दो या तीन अलग अलग शोरूम्स हैं, या दो या तीन अलग अलग स्टोर हैं, वो क्या अकाउंटिंग करेंगे उसको बोलते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट। एक स्टोर दूसरे स्टोर से कोई लिंक नहीं है, दूसरा स्टोर तीसरे स्टोर से कोई लिंक नहीं है, ना ही तीसरा स्टोर फर्स्ट स्टोर से कोई लिंक है। सब अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं, सब अपनी अपनी सेल करते हैं, अपनी अपनी परचेस करते हैं, अपने अपने अलग अलग लोकेलिटी पर बिजनेस कर रहे हैं, अपना अपना पैसा वो कमा रहे हैं, किसी का किसी में कोई रोल कोई इंटरफेयर नहीं है। तो वो क्या अकाउंटिंग करेंगे उसको बोलते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। ध्यान सुनिएगा, ज़्यादा कुछ टफ अकाउंटिंग नहीं होती है, बिल्कुल बेसिक वैसे ही होती है जैसे आप 11 12th में पढ़ते हैं। नॉर्मल इंडिविजुअल प्रोपराइटर बिजनेस है, सिंपल जो बिजनेस होता है वही है। तो वो लोग कोई कैश फ्लोज वैश फ्लोज नहीं बनाते, वो नॉर्मल जो ट्रेडिंग पी एंड एल अपन बनाते हैं वही वो अपने को यहाँ पर बनाने होते हैं। बेसिक समझिए क्या होता है, आपको पहले ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट बनाना पड़ेगा। अपन बेसिक मानते हैं कि तीन डिपार्टमेंट है या दो डिपार्टमेंट है। अपन ने मान लिया कि बेटा दो डिपार्टमेंट है, तो दो डिपार्टमेंट है तो डबल कॉलम बना दिए, तीन होते तो तीन बना देते। ए और बी अपन ने डिपार्टमेंट्स का नाम रख लिया, तीन होते तो अपन यहाँ पर ए बी सी, उधर भी अपन ए बी सी ले जाते। ये डेबिट वाली साइड हो गई, ये क्रेडिट वाली साइड हो गई। नॉर्मल जो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेड होता है वो डेबिट वाली साइड में बेटा अपन पहले ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं जो अपना अपना डिपार्टमेंट का होगा। उसके अलावा अपन यहाँ पर परचेजेज का अमाउंट शो करते हैं, अगर कोई रिटर्न होगी परचेज रिटर्न तो वो ऑटोमेटिक आप परचेज में से माइनस करके शो कीजिएगा। कोई वेजेज होगी आपकी तो वो आप यहाँ पर शो करेंगे। कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा आपका, कैरीज टाइप का कोई खर्चा, फैक्ट्री का कोई एक्सपेंसेस, तो वो आप यहाँ शो करेंगे। इस तरफ अगर आप चलते हैं तो आपको सेल्स का अमाउंट गिवन होगा, वो आप यहाँ शो करेंगे। अगर सेल्स के साथ कोई रिटर्न होगी तो आपको सेल्स में से रिटर्न माइनस करनी पड़ेगी। किसी तरह का अगर आपका कोई क्लोजिंग स्टॉक होगा तो वो आप यहाँ शो कर देंगे। एक यहाँ पर जो रिज़ल्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट का रिज़ल्ट, उसको अपन ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट, उस डिपार्टमेंट ने कितना पैसा कमाया वो आपको यहाँ पर शो करना पड़ता है। ग्रॉस प्रॉफिट की जो कैलकुलेशन होगी वो आप समझ लीजिए, तब अपन इसके बाद इसको आगे ले जाएं। जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो आपको क्वेश्चन में परसेंटेज में गिवन होगा, या फिर हो सकता है क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट की कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं हो। अगर क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो उस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक गिवन होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक गिवन होगा तो सेल और क्लोजिंग अपन यहाँ लिखकर इस क्रेडिट साइड का टोटल लगाकर जो जीपी होगा उसको बैलेंसिंग कर देंगे, या फिर अगर क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट की इन्फॉर्मेशन होगी तो ग्रॉस प्रॉफिट लिखकर क्लोजिंग स्टॉक को बैलेंसिंग कर देंगे। इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक और ग्रॉस प्रॉफिट एक साथ चलते हैं, एक गिवन होगा तो दूसरा बैलेंस हो जाएगा, दूसरा गिवन होगा तो पहला बैलेंस हो जाएगा। अब मानते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट में नहीं गिवन होता क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट सेल पर होता है, तो जितना माल आप बेचेंगे उस हिसाब से वो अमाउंट बदलती जाएगी, इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट जो गिवन होता है वो परसेंटेज में होता है। परसेंटेज दो तरीके से हो सकती है, या तो आपको वो जीपी की जो परसेंटेज है वो ऑन कॉस्ट गिवन होगी, या वो जो परसेंटेज है बेटा वो ऑन सेल्स गिवन होगी। अगर ऑन कॉस्ट गिवन होगी तो आप फॉर्मूला लगाएंगे टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। और अगर ऑन सेल गिवन होगी तो आप फॉर्मूला लगाएंगे बेटा सेल्स अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100। दोनों में से जो भी सूटेबल कंडीशन है वो फॉर्मूला लगाकर आप ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट फाइंड कर देंगे। उसके बाद जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो बैलेंसिंग हो जाएगा। ये यहाँ तक ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। रिपीट दैट, ट्रेडिंग अकाउंट बिल्कुल सिंपल सा है। आप ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दैट मीन्स फैक्ट्री का कोई खर्चा, कोई कैरीज, इस तरह का कोई ट्रांजेक्शन, क्रेडिट साइड में सेल्स या क्लोजिंग स्टॉक का ट्रांजेक्शन, जो रिजल्ट होगा वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा। इफ ग्रॉस प्रॉफिट गिवन देन रिजल्ट विल बी द क्लोजिंग स्टॉक। अब यहाँ से आप पी एंड एल पर चलते हैं, इस ग्रॉस प्रॉफिट को अपन यहाँ कैरी कर देते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ये पी एंड एल है, पी एंड एल का क्रेडिट साइड को इनकम बोलते हैं, डेबिट साइड को जितने भी फर्म में ये जो इंडिविजुअल प्रोपराइटर है उसमें जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, कोई सैलरी, कोई बेड डेब्ट्स, कोई एडवर्टाइजमेंट, वो अपन बेसिकली यहाँ शो करते हैं।
जैसे अपन मेन मेन नाम समझते हैं, सैलरी गिवन होगा, कोई बेसिकली मान लिया अपन कोई बैड डेब्ट्स गिवन है, किसी तरह का कोई एडवर्टाइजमेंट गिवन है, कोई प्रिंटिंग का कोई एक्सपेंसेस है, कोई डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कोई खर्चा है, उस तरह का कोई भी एक्सपेंसेस है तो वो आप यहाँ पर शो कर देंगे। इस साइड में जो अपना है, एक अपन बेसिक और समझें, डिस्काउंट अलाउड जो अपन कस्टमर को देते हैं, इस तरफ जो होता है वो अपना बेसिकली ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं आते हैं क्योंकि इनकम का पोर्शन कम ही रहता है इनडायरेक्ट इनकम, तो वो डिस्काउंट रिसीव। इस तरह के जितने एक्सपेंसेस होंगे वो आप यहाँ शो करेंगे, फिर इन्हें क्रेडिट के साइड का टोटल लगाकर इन सबको लेस कर देंगे, जो आपका बचेगा वो नेट प्रॉफिट आ जाएगा बैलेंसिंग। इसमें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होता है। दो बातें आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट करने के बाद पी एंड एल को पूरा करने के लिए ये जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, सैलरी, बेड डेब्ट्स, एडवर्टाइजमेंट, प्रिंटिंग, डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट या डिस्काउंट रिसीव, ये एक्सपेंसेस अगर आपको इंडिविजुअल ए का अलग, बी का अलग, दोनों अलग अलग दे रखा है, या ए बी सी तीनों के अलग अलग दे रखें, तो आप अपने कॉलम में लिख देंगे। लेकिन गलती से अपने को सैलरी का एक ही अमाउंट गिवन है या बेड डेब्ट्स का एक ही अमाउंट गिवन है, 10,000, 15,000, 20,000, अब बोले बेटा ए में अलग लिखो, कॉलम तो अलग अलग ही बन रहे हैं ना, 10,000 इसमें थोड़ी ना लिख सकते हैं। अगर बेड डेब्ट्स मान लो 10,000 गिवन है तो ए का अलग चाहिए अपने को, बी का अलग चाहिए, सी का अलग चाहिए, जितने डिपार्टमेंट है उनका इंडिविजुअल अमाउंट अलग अलग चाहिए। देखो एक्सपेंसेस के साथ दो सीन बनते हैं, अगर उसने पहले ही अपने को वो एक्सपेंसेस इंडिविजुअल दे रखे हैं, इंडिविजुअल का मतलब हो गया ए का अलग, बी का अलग, सी का अलग, तो ए बी सी जिनका अपना अपना दे रखा है वो अपने अपने कॉलम में आप शो कर देंगे। लेकिन इंडिविजुअल की जगह अगर उन्होंने एक्सपेंसेस अपने को कंबाइंड में दे रखे हैं, एक ही अमाउंट गिवन है, प्रिंटिंग की 15,000, अब बेटा ए में भी लिखनी है, बी में भी लिखना है, सी में भी लिखना है, तो वो क्या किया जाए? प्रिंटिंग के केसेस में या बेड डेब्ट्स के केसेस में या जितने भी एक्सपेंसेस हैं, अगर वो आपको कंबाइंड गिवन है तो आप उन एक्सपेंसेस को अकॉर्डिंग टू सेल्स रेशो, आई रिपीट दैट, अकॉर्डिंग टू सेल्स रेशो। सेल्स रेशो कहाँ से आएगा? आपने ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो आपकी सेल लिखी होगी वो लेकर उस रेशो के अंदर आप उस अमाउंट को, जो कंबाइंड अमाउंट है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद इंडिविजुअल जो अमाउंट आएगी वो आप ए बी सी या जो भी सूटेबल डिपार्टमेंट है उसमें लिख देंगे। याद रखिएगा ये कंबाइंड अमाउंट अकॉर्डिंग टू सेल्स रेशो होती है, लेकिन सेल्स वो लेनी है जो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में है, इसका मतलब आपको सेल्स वो लेनी है जो क्वेश्चन में सेल्स गिवन थी उसमें से रिटर्न लेस करने के बाद जो अमाउंट बची है, इसका मतलब सेल्स वो नहीं लेनी है जो ग्रॉस है, सेल वो लेनी है जो नेट है। सेल्स नेट का मतलब सेल्स में से रिटर्न लेस करने के बाद जो एक्चुअल सेल है उस रेशियो में आपको इसको बांटना पड़ेगा। सारे एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस है, सारे एक्सपेंसेस जो है वो सेल्स रेशियो में ही बढ़ते हैं अगर उसने अपने को बांट कर नहीं दिए हैं तो। लेकिन इसमें दो स्टार लगता है बेटा, एक इनकम टैक्स और एक डिस्काउंट रिसीव। जो डिस्काउंट रिसीव होगा वो आपको परचेज रेशो में बांटना पड़ेगा, परचेज रेशो से भी वही मतलब है कि जो आपको परचेज गिवन है उसमें से आप रिटर्न लेस कर। और इनकम टैक्स जो होता है वो आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के रेशो में बांटना पड़ता है। ये दो बेसिक आप याद रखिएगा, बाकी जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, सैलरी, बेड डेब्ट्स, एडवर्टाइजमेंट, प्रिंटिंग, डेप्रिसिएशन, जो भी होगा वो सब सूटेबल एक्सपेंसेस अकॉर्डिंग टू सेल्स रेशो में बटेंगे। आई रिपीट दैट, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन अब मैं आपको बोल रहा हूँ, जो भी आपके एक्सपेंसेस होंगे वो एक्सपेंसेस अगर क्वेश्चन में उसी एक्सपेंसेस से रिलेटेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिए होंगे तो उस अमाउंट को सूटेबल एक्सपेंसेस में ऐड कर देंगे। इसका मतलब अगर क्वेश्चन में सैलरी 15,000 है और नीचे इन्फॉर्मेशन में ये लिख रहा है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000, तो आप सैलरी 15,000 की जगह 16,000 मानेंगे। दोबारा बोल रहा हूँ, अगर किसी भी एक्सपेंसेस का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस गिवन है तो वो अमाउंट उस एक्सपेंसेस में ऐड करके ही उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। सेकेंड लॉजिक, अगर उसी एक्सपेंसेस से रिलेटेड किसी एक्सपेंसेस का प्रीपेड अमाउंट गिवन है, प्रीपेड का मतलब होता है नेक्स्ट ईयर का, अगले साल का पैसा जो आपने अभी चुका दिया, तो उस प्रीपेड अमाउंट को आपको सूटेबल एक्सपेंसेस में से माइनस करके रिमेनिंग अमाउंट को ही सेल्स रेशो में बांटना पड़ेगा। याद रखिएगा, अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस गिवन है तो सूटेबल एक्सपेंसेस में वो अमाउंट जोड़ दीजिए, और अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस गिवन है तो सूटेबल एक्सपेंसेस में वो अमाउंट ऑटोमेटिकली लेस कर दीजिए। उसके बाद जाकर आपका ये जो पी एंड एल अकाउंट है ये पूरा कंप्लीट हो जाता है, ये नेट प्रॉफिट बचेगा। इसके बाद आप सिंपल, जैसा अपन आज तक बैलेंस शीट बनाते आए हैं, वो बैलेंस शीट आपको बिल्कुल सिंपल सा बनाना है, लाइबिलिटी और एसेट्स। लाइबिलिटी में वही ट्रीटमेंट होते हैं, बिल्कुल कैपिटल होगा उसमें, दोनों डिपार्टमेंट का
नेट प्रॉफिट आप ऐड कर देंगे, कोई ड्राइंग्स होगी आपकी तो वो आप माइनस कर देंगे। बैलेंस शीट इंडिविजुअल डिपार्टमेंट की नहीं बनती है, वो सारे डिपार्टमेंट को आपस में क्लब करके बनती है। उसके अलावा जो भी लाइबिलिटीज़ के आइटम्स होंगे, कोई क्रेडिटर होगा, कोई लोन हो सकता है या किसी भी तरह का कोई एक्सपेंस लाइबिलिटी है तो वो आप यहाँ शो करेंगे। एसेट्स में भी सेम वही ट्रीटमेंट रहेगा, कोई कैश हुआ, कोई फिक्स एसेट्स हुआ, कोई क्लोजिंग स्टॉक जो होते हैं वो, या और भी किसी तरह के कोई है आपका एसेट से रिलेटेड आइटम तो वो आप यहाँ पर शो कर देंगे। याद रखिएगा बैलेंस शीट में कोई स्पेशल ट्रेड नहीं होते, मैक्सिमम क्वेश्चंस में बैलेंस शीट बनवाता भी वो आपसे नहीं है। मेन जो बेसिक रहता है वो ट्रेडिंग पी एंड एल रहता है, ये फॉर्मेट है, आप वीडियो को पॉज कर दोबारा लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें सबसे बेसिक जो ट्रांजेक्शन था वो आपका एक्सपेंसिस था। अगर आपको एक्सपेंसिस इंडिविजुअल गिवन है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर आपको कंबाइंड गिवन है तो आप सेल्स रेशो में बांट देंगे। सेल्स रेशो का मतलब होता है सेल्स में से रिटर्न लेस करने के बाद जो डेटा है, जितने भी एक्सपेंसेस है वो सारे सेल्स रेशो में बटेंगे एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि वो इनकम है इसलिए वो परचेज रेशो में बढ़ जाती है। अब सबसे मेन ट्रांजेक्शन जो होता है उस पर आप थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा। ए डिपार्टमेंट था, बी था, अपन मानते हैं सी भी हो सकता है डिपार्टमेंट, डी भी हो सकता है, चार डिपार्टमेंट का भी क्वेश्चन हो सकता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक डिपार्टमेंट के पास माल ख़त्म हो जाता है तो वो जो अपना दूसरा डिपार्टमेंट है उस सिटी में उसको कह देता है कि भैया मेरे पास माल ख़त्म हो गया है, अगर आपके पास माल पड़ा है तो आप थोड़ा सा माल मुझे ट्रांसफ़र दे दीजिए जिससे मैं भी मेरे कस्टमरों को माल बेच पाऊँ। उस केस पे जिस डिपार्टमेंट को कहा जाता है उसका डिसीजन है कि वो अपना माल जिसने कहा है उस डिपार्टमेंट को दे या ना दे। वो नहीं देना चाहता तो ना दे, वो फिर उसका पर्सनल अरेंजमेंट कर लेगा कहाँ से करता है क्या करता है। लेकिन अगर वो दे देता है, एग्जाम्पल व्यू समझिए, ए के पास माल ख़त्म हो गया, ए ने बी को बोला कि भैया मेरे को थोड़ा सा माल ट्रांसफ़र लगा दीजिए, तो डिसीजन किसके ऊपर आ गया, बी के ऊपर। बी ने कह दिया ठीक है मैं आपको माल ट्रांसफ़र कर दूंगा, तो बी अब इस माल को कैसे ट्रांसफ़र करेगा, सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन। बी अगर इस माल को ट्रांसफ़र ए को करता है तो बी के पास ये पावर है कि वो ए को इस गुड्स को कौन सी प्राइस पे ट्रांसफ़र करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट लॉजिक है बेटा, ये ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको लिखकर भी समझाऊंगा कि जो ट्रांसफ़र का कंटेंट है वो आप कैसे समझेंगे, वरना ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ध्यान से सुनिए बेटा, ट्रांसफ़र, गुड्स ट्रांसफ़र, एक डिपार्टमेंट जो दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र लगाता है वो कैसे ट्रांसफ़र लगाएगा। अगर ए को माल की ज़रूरत है, ए ने बी को बोला कि भैया मुझे थोड़ा सा माल ट्रांसफ़र कर दीजिए, बी ने एक्सेप्ट कर लिया उस प्रपोजल को, तो बी अब ए को ट्रांसफ़र लगाएगा, तो सारी पावर बी के पास है, तो बी ए को जो माल ट्रांसफ़र लगाएगा वो किस तरीके से लगाएगा। ट्रांसफ़र दो तरीके से लगता है बेटा, एक कॉस्ट प्राइस पर और एक सेल प्राइस पर या मार्केट प्राइस पर। ये पावर किसके हाथ में, बी के पास, बी ट्रांसफ़र लगा रहा है ए को। अगर उल्टा केस होगा तो ये पावर ए के पास हो जाएगी, या दोनों ट्रांसफ़र लगाएंगे तो दोनों के पास हो जाएगी। अब अगर बी ए को बोलता है कि ठीक है मैं आपको 20,000 का माल ट्रांसफ़र लगा रहा हूँ, लेकिन मेरी कंडीशन ये है कि मैं आपको 20,000 का माल 24,000 में, 25,000 में या ज़्यादा में या इक्वल अमाउंट से थोड़ा सा ऊपर में ट्रांसफ़र लगाऊंगा, तो अपन ये मान लेंगे कि वो सेल प्राइस पे ट्रांसफ़र लग रहा है। और बी ए को कह देगा कि ठीक है मेरे पास 20,000 का माल है, आप मेरे साथ ही व्यापार करते हैं, अपन एक ही कंपनी का माल बेच रहे हैं, तो मैं आपको 20,000 का माल 20,000 में दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक्सेस पड़ा है, मैं नहीं बेच पा रहा। तो उस केस पर वो ट्रांसफ़र कौन सा वाला माना जाता है बेटा, कॉस्ट प्राइस। अगर बी के पास जितने का माल है वो उतने का ही माल वो ए को उतने में ही ट्रांसफ़र लगाए तो वो ट्रांसफ़र कहलाता है कॉस्ट प्राइस पर, और अगर वो उतने का माल थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस पर अपना प्रॉफिट जोड़कर उस मौके का फ़ायदा उठाए बी कि ए को तो माल की ज़रूरत है तो वो कहीं से भी लेगा, हमसे भी महंगा ले लेगा, तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाकर अगर वो ट्रांसफ़र लगाता है तो वो ट्रांसफ़र कौन सी प्राइस पर होता है, सेल प्राइस पर। अगर कॉस्ट प्राइस पर ट्रांसफ़र होता है तो कोई भी फर्दर कैलकुलेशन नहीं होती है, किसी भी तरह की एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं होती क्योंकि वो माल बी के पास भी उतने का ही था जितने में उसने ए को दिया, तो ए के पास भी इन्वेंट्री उतनी की, किसी ने किसी को लूटा नहीं है, किसी ने भी इस मौके का फ़ायदा नहीं उठाया, ना ए ने पैसा ज़्यादा खर्च किया ना बी ने ए से पैसा ज़्यादा लिया। लेकिन यहाँ पर एडवांटेज चेंज हो जाता है, अगर बी ने उस माल में थोड़ा सा प्रॉफिट जोड़कर ए को ट्रांसफ़र लगाया तो उस ट्रांसफ़र को अपन बोलते हैं सेल प्राइस पर। अगर सेल प्राइस पर ट्रांसफ़र लगाया तो कैलकुलेशन हो सकती है बेटा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था, इसकी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है। सबसे बेसिक, सबसे मेन कंटेंट जो है वो ये है। अभी अपन कैलकुलेशन समझते हैं, पहले आप ये मानिए कि जो ट्रांसफ़र लगाया चाहे इस प्राइस पर लगाया चाहे इस प्राइस पर, इसकी अकाउंटिंग कैसे हो। सिंपल सा लॉजिक है, जो ट्रांसफ़र लगा रहा है वो इस ट्रांसफ़र को एज ए आउटफ्लो मान लेगा कि मेरे यहाँ से माल जा रहा है, और जिसको जाकर ट्रांसफ़र लग रहा है वो इस गुड्स को इनफ्लो समझ लेगा कि मेरे पास माल आ रहा है।
तो जो ट्रांसफर लगाएगा, जो माल दे रहा है, वो यहां पर शो करेगा बाय ट्रांसफर। इस केस में किसने ट्रांसफर लगाया? बी ने। और ये माल जाकर किसको मिलेगा? ए को। तो ए अपने रिसिप्ट में शो करेगा परचेजेस के यहां पर टू ट्रांसफर, उसको ए से माल मिल रहा है। इस ट्रांजेक्शन को आप चाहें तो इस ट्रांसफर को सेल में भी मर्ज कर सकते हैं और इस ट्रांसफर को परचेज में भी मर्ज कर सकते हैं, लेकिन मर्ज करने का ट्रांजेक्शन तभी सक्सेस होता है जब ये ट्रांसफर सेल प्राइस पर लगाओ। तो फिर सेल प्राइस पर ट्रांसफर लगाया तो बी ने ए को ट्रांसफर लिया, तो बी के लिए ए एज ए कस्टमर ही हो गया। आप कस्टमर को माल बेचेंगे तो 20,000 का माल 20,000 में तो बेचेंगे नहीं, तो अगर 20,000 का माल 20,000 में बेच रहे हैं तब तो आप डिपार्टमेंट का रिश्ता निभा रहे हैं, तो आप उसको अलग से शो कर सकते हैं, सेल में मर्ज नहीं करेंगे, क्योंकि वो वाला जो ट्रांसफर है वो कॉस्ट टू कॉस्ट हो रहा है और सेल तो नॉर्मल बात है कि प्रॉफिट जोड़कर हुई होगी। लेकिन अगर 20 का माल आपने 25 में ट्रांसफर किया, 24 में ट्रांसफर किया, 21 में किया, कितने में भी ऊपर में किया, तो इसका मतलब है बी ए से जो रिलेशन निभा रहा है वो एज ए डिपार्टमेंट नहीं निभा रहा, वो बी ए को एज ए अपना कस्टमर मान रहा है। तो उस केस पे फिर वो जो ट्रांसफर लिया है वो आप बी के सेल में और ए की सूटेबल परचेज में जोड़ सकते हैं, क्योंकि ए ने भी वो माल महंगा खरीदा है, इसके लिए वो परचेज और सेल में जुड़ जाती है। तो सेल में वो तभी जोड़िए जब ट्रांसफर भी सेल प्राइस पर किया गया है, अदरवाइज अगर कॉस्ट प्राइस पर किया है तो अलग ट्रांजेक्शन शो कर दीजिए, बाय ट्रांसफर या टू ट्रांसफर, सबसे बेसिक बात। अब लास्ट सबसे मेन चीज, अगर ट्रांसफर जो है सेल प्राइस पर किया है, इसका मतलब बी ने ए को जो माल दिया है 20,000 का 15,000 का ज़्यादा में दिया है, थोड़ा वो 10-20% प्रॉफिट जोड़ कर दिया है, तो वो माल ए को मिल गया होगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था, अब ए उस माल को महंगा खरीद चुका है, बिल्कुल ठीक है। अगर कॉस्ट प्राइस पर होता तो अपन इसमें दिमाग नहीं चलाते क्योंकि बराबर का माल खरीदा है उसने, लेकिन अगर 20 का माल 24,000 में बी ने ए को दिया तो ए के लिए तो वो माल की कॉस्ट ही 24,000 हो गई, क्योंकि ए के पास तो 24 का ही आया है। अब अगर ए उस माल में से आधा माल ही आगे बेच पाया, इसका मतलब 24,000 में से 12,000 का माल वो ए आगे अपने कस्टमरों को कितने में भी बेचा, उसमें अपने को कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो आधा ही बेच पाया, तो उसके पास कितना बच गया? आधा। आधा कितने का बचा? 12,000 का। अगर सब कुछ सिस्टम से चलता तो ये आधा 12,000 का थोड़ी ना होता, ये आधा होता 10,000 का, क्योंकि ओरिजिनलिटी में गुड्स कितने का था? 20 का। अगर वो 20 का माल 20 में ही लेता तो उसका आधा माल 10,000 का वो कितने में भी बेचता, उसका लुकआउट है, लेकिन बचता भी तो 10 का ही, लेकिन उसने 20 का माल कितने में लिया? 24 में, फिर उसमें से बेचा उसने आधा, तो 12 का बेच दिया उसने, तो बचा कितने का? 12 का, जबकि उस 12 के ओरिजिनल माल की जो वैल्यू है वो कितनी थी ओरिजिनलिटी में? 10। तो वो जो डिफरेंस हुआ उसको बोलते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। इसके लिए अपने को तीन स्टेप फॉलो करनी पड़ती बेटा, ये है सबसे मेन टॉपिक, फिर आपको जाकर प्रैक्टिकल पर अपन लेकर चलेंगे। इसमें जिस डिपार्टमेंट ने ट्रांसफ़र किया है, जिस डिपार्टमेंट ने लूटा है, जिस डिपार्टमेंट ने महंगा दिया है दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स, उसका पहले आप कैलकुलेट करेंगे जीपी रेशो, जिससे आपको पता चलेगा कि उस डिपार्टमेंट ने कितना परसेंट लूट कर सामने वाले को माल दिया है, कितना परसेंट कमा कर माल दिया है। जीपी रेशो नॉर्मल बात है, जीपी अपॉन सेल्स प्लस ट्रांसफ़र जितने का उसने दिया माइनस अगर कोई रिटर्न आया था इनटू 100, ये फॉर्मूला लगाकर आप जीपी रेशो कैलकुलेट करेंगे। फिर जो ट्रांसफ़र रिसीविंग डिपार्टमेंट है, जिसको वो माल महंगा मिला है, वो बताएगा कि मुझे इतने का माल मिला था, उसमें से मैंने इतने का माल आगे बेच दिया है। तो अपने को वो नहीं जानना कि उसने कितने का माल बेच दिया है, अपने को ये जानना है कि जो रिसीविंग डिपार्टमेंट है उसके क्लोजिंग स्टॉक में कितना माल महंगा पड़ा है। आई रिपीट दैट, सबसे काम की लाइन यही है, आपको क्लोजिंग स्टॉक में फाइंड करना है गुड्स रिसीव फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट। अगर आप ये कर लेंगे तो ही आपका क्वेश्चन 100% सही होगा। ए इस अपना जो एग्जांपल है, बी ने ए को माल दिया था, तो ए बताएगा कि भैया मेरे पास इतना क्लोजिंग स्टॉक है, इसमें से इतना माल बी का पड़ा है, आया तो बी से ज़्यादा था लेकिन मैं बेच चुका आगे, लेकिन ये बच गया भाई साहब गलती से, जो ऑटोमेटिक ओवर वैल्यूड हो गया। तो वो अपने को फाइंड करना है, उस जो सूटेबल अमाउंट ऑफ स्टॉक आएगा, जो आप फाइंड करेंगे अमाउंट ऑफ स्टॉक, उस पर आप वो जीपी रेट लगा देंगे। इससे आपको पता चल जाएगा कि जो बी है उसने जो आपको माल महंगा दिया था उसमें से आप जितना नहीं बेच पाए, उस माल पर आपको कितने रुपए का लॉस हो गया, वो कितने रुपए से ज़बरदस्ती ओवर वैल्यूड है, उस अमाउंट को बोलते हैं बेटा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अगर ऐसा डील ए ने बी को भी किया है, बी ने ए को भी किया है, अगर क्वेश्चन में दोनों डिपार्टमेंट ने म्यूचुअल ट्रांसफ़र लगाए आपस में दो तीन बार,
तो उस केस पर वो कैलकुलेशन दोनों डिपार्टमेंट करेंगे। ए भी चेक करेगा कि मैंने बी को कितना लूटा, बी भी चेक करेगा मैंने ए को कितना लूटा। ध्यान रखिएगा रिवर्स कैलकुलेशन होती है, बी जो चेक करेगा मैंने कितना लूटा वो ए के क्लोजिंग स्टॉक में, और ए जो चेक करेगा वो बी के क्लोजिंग स्टॉक में। तब जाकर आपको ये पता चलेगा कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का कंटेंट क्या होता है, कौन डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र कर रहा है और कौन रिसीविंग डिपार्टमेंट है। वहाँ पर सारी कैलकुलेशन रिसीविंग डिपार्टमेंट के क्लोजिंग स्टॉक पर होगी, क्योंकि उसे माल महंगा मिला है। माल महंगे देने वाले के तो कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं, वो तो कमा के अपने को दिया है, उस तरह का ट्रांजेक्शन होता है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है डिपार्टमेंटल अकाउंट की कि अपन कैसे करें। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कि ट्रांसफ़र हो गया, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकालें, ये करें वो करें। कभी कभी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की कैलकुलेशन ही नहीं होती, क्योंकि ट्रांसफ़र क्वेश्चन में कौन सी प्राइस पर लगा दिया जाता है, कॉस्ट प्राइस पर। फिर वो बिना मतलब की कैलकुलेशन करते हैं जिसका कोई रोल ही नहीं है। कॉस्ट प्राइस पर ट्रांसफ़र लगाने पर कैलकुलेशन नहीं होगी, क्योंकि आपने सेम अमाउंट में ही दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र दिया है। ये आपका कंप्लीट बेसिक नॉलेज है बेटा डिपार्टमेंट की। अब अपन इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच लगाकर कुछ 3-4 प्रॉब्लम अपन रखकर इसको समझ लेंगे। आप वीडियो को पॉज कर आराम से नोट्स लिखिएगा, पहले जितना भी अभी बेसिक सीखा इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, फिर ही इसके आगे का जो क्वेश्चंस का अपन बना रहे हैं उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। अपन प्रॉब्लम लेते हैं एक, अपने को समझ में आएगा कि अपने को कैसे करना चाहिए, क्या अपना बेसिक रहना चाहिए, तब जाकर अपन डिटेल समझ पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा बेटा, प्रॉब्लम नंबर अपन फर्स्ट पे चलते हैं। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताऊँगा, इस वीडियो के अंदर आपको नीचे एक लिंक है, वहाँ पर ये जो प्रॉब्लम अपन सॉल्व कर रहे हैं इसको मैंने आपके लिए पीडीएफ में डाला है। आप पहले उस वीडियो पर क्लिक कर वहाँ से वो पीडीएफ फाइल डाउनलोड कीजिएगा, उसका प्रिंटआउट निकालें, तभी जाकर आप ये जो प्रैक्टिकल अप्रोच अपन समझ रहे हैं उसको देखिएगा। ऐसे नहीं आपको पता चलेगा कि मैं कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, क्या सॉल्व हो रहा है। पहले वो पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर वीडियो में दूसरे मोबाइल में खोल लीजिए, फिर आप देखिए कि अपन ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। अब समझिए, मैं आपको समझाता हूँ क्या क्या डिटेल अपने को क्वेश्चन में गिवन है और कैसे क्या अपने को करना है। दो डिपार्टमेंट के बारे में अपने को क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन है, तो अपन लाइनिंग कर लेते हैं। दो डिपार्टमेंट ही अपने को बनाने हैं, ट्रेडिंग पी एंड एल बना रहे हैं अपन जो बेसिक हैं। ए और बी दो ही डिपार्टमेंट हैं। ध्यान से सुनिएगा, शुरू के क्वेश्चंस बहुत वैल्यूबल होते हैं, इसी से आप आगे के टफ क्वेश्चंस का जो है वो पार्ट समझ पाते हैं। बेसिक जो नींव है वो बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रेडिंग पी एंड एल बनाते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है अपने को बोल रहा है। दो डिपार्टमेंट है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन की पहली लाइन में लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन 6 महीने का है, आपको 30 सितंबर को ईयर एंड हो रहा है, तो आपको 6 महीने का ही टोटल क्वेश्चन करना है। उसके बाद वो आगे बोल रहा है आपको स्टॉक की वैल्यूएशन लगानी है, क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना है, जीपी का जो रेशियो है वो आपको गिवन है बेटा क्वेश्चन में 40% और 30% ऑन सेल ही है। और जस्ट उसके आगे अपने को डिपार्टमेंट्स की डिटेल है। देखिए दोनों डिपार्टमेंट का आपको ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट गिवन है, तो ओपनिंग स्टॉक आप लिख सकते हैं क्वेश्चन में गिवन है 60,000 और 56,000। ये दोनों डिपार्टमेंट का आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है। उसी के जस्ट नीचे की लाइन में देखिए आपको दोनों डिपार्टमेंट की सेल्स गिवन है। सेल्स आपने समझा था क्रेडिट वाली साइड में शो होती है, कोई रिटर्न नहीं है। अगर रिटर्न होता तो अपन उसको माइनस कर देते। 2,80,000 की सेल इसकी है और 240 की इसकी है। जस्ट उसके बाद आपको परचेज भी गिवन है, परचेज भी ट्रेडिंग का ही पार्ट होता है, ये परचेज आपने यहाँ शो कर दिया। उसी के बाद आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन है, अपन इनके अमाउंट भी लिख लेते हैं। परचेज आपको गिवन है 180 और 144, और जस्ट उसके अलावा अपने को डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन है जो आप शो करेंगे 36,600 रुपये दे रखा है और 56,800। अभी अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था, अभी डिस्कशन भी कर रहे थे, ट्रेडिंग अकाउंट पूरा करने के लिए दो आइटम की रिक्वायरमेंट है आपको। एक आपको क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, फिर अपन इधर का टोटल लगाकर जीपी फाइंड करते हैं, या फिर आपको जीपी चाहिए जिससे आप इधर का टोटल लगाकर क्लोजिंग स्टॉक को बैलेंसिंग कर ले। दोनों वाइस वर्सा होता है, दोनों में से एक चीज़ गिवन होती है। अभी आपने ऊपर पढ़ा क्वेश्चन में लिखा हुआ था ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज गिवन है 40% और 30% ऑन सेल, बिल्कुल ईजी सी लाइन थी। मैंने अभी बताया भी था आपको ग्रॉस प्रॉफिट 2% पर होता है, या तो कॉस्ट पर या सेल पर। यहाँ जो परसेंटेज गिवन है वो ऑन सेल्स गिवन है। ऑन सेल का मतलब जितनी जितनी परसेंट है वो अपनी अपनी सेल पर इम्प्लाइड कर देनी है, बिल्कुल सिंपल। लेकिन उसमें तीन अक्षर, एक लाइन छोटी सी आधी लाइन उसने बीच में लिखी है परसेंटेज में, कि जो ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज है वो बिफोर चार्जिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, बिफोर चार्जिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसका मतलब जो जीपी की 40% है या बी डिपार्टमेंट में 30% है वो आप ऑन सेल निकालेंगे,
लेकिन वो अमाउंट प्रॉफिट नहीं है, अभी उस अमाउंट में से आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे करना है। ऐसा हर क्वेश्चन में नहीं होता है, इसने बोला है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज है वो बिफोर चार्जिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसीलिए आपको ऐसा करना पड़ेगा। इसका मतलब आपको 40 या 30% ऑन सेल निकाल कर, अपनी अपनी सेल है 280 240, 280 का 40% और 240 का 30%, अपनी अपना अमाउंट निकाल कर कैलकुलेटर में माइनस करना है बेटा इसमें से डायरेक्ट एक्सपेंसेस। समझा देता हूँ कैसे किया। 280 का अपन निकालेंगे पहले 40%, वो जो अमाउंट आएगा उसमें से माइनस करेंगे 36,600 रुपये, फिर जो अमाउंट बचेगा वो आप यहाँ जीपी में लिखेंगे। ऐसे ही आप सेम बी में करेंगे, 240,000 का आप निकालेंगे पहले 30%, 72,000 हो गया, उसमें से आप माइनस करेंगे 56,800, तो जो डेटा आएगा वो आप यहाँ लिखेंगे 15,200, 75200 इसकी कैलकुलेशन होगी। इसके बाद आप इधर का 75400 इसकी कैलकुलेशन है, फिर आप इधर का पूरा टोटल लगाकर जो बचेगा वो आपका क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस इन फिगर हो जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक का जो डेटा है वो 72,000 और 32,000 आपका आ जाएगा। दोबारा बोल रहा हूँ, जो जीपी की कैलकुलेशन है क्वेश्चन में स्पेशली लिखा हुआ है कि 40 और 30% ऑन सेल लगाकर बिफोर चार्जिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसका मतलब अपनी अपनी सेल का अपना अपना परसेंट लगाते। अगर क्वेश्चन में बिफोर चार्जिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं लिखा होता तो 280 और 240 का अपना अपना 40 और 30% निकाल कर जो आता वो डायरेक्ट अपन यहाँ लिख देते और देन क्लोजिंग स्टॉक विल बी बैलेंसिंग। अब इसके बाद अपन चलते हैं पी एंड एल की तरफ। इस ग्रॉस प्रॉफिट को आपने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया पी एंड एल में। अब सबसे बेसिक पार्ट है एक्सपेंसेस का डिस्ट्रीब्यूशन, जो सबसे मेन चीज़ रहती है क्योंकि वो अपने को एक ही अमाउंट देता है निकाल कर। अब नीचे पढ़िए एक्सपेंसेस के बारे में डिस्क्रिप्शन, साफ साफ लिख रहा है हाफ ईयर में। अपन ने स्टार्ट में पढ़ा था कि क्वेश्चन जो है वो हाफ ईयर का है, अच्छी बात है। हाफ ईयर में टोटल 6 डिपार्टमेंट का एक्सपेंसेस मिलाकर 72,000 है। सामने देखिए बेटा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सबसे बेसिक चीज़, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में गिवन है 72। अपने को पता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो ट्रेडिंग का पार्ट नहीं है, वो पी एंड एल का है, लेकिन अपने को तो ए का और बी का ही चाहिए, बाकी किसी का नहीं चाहिए। उसने लिख के दिया है कि जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है टोटल 6 डिपार्टमेंट के हैं। अपने को 6 का नहीं चाहिए हमें साहब, हमें तो केवल ए का चाहिए और बी का चाहिए। इसका मतलब 72,000 आधे आधे भी नहीं हो सकते, 6 डिपार्टमेंट हैं। अपन मैनिपुलेटेड समझने के लिए मान लें कि ए बी सी डी ई और एफ, इन चारों डिपार्टमेंट को अपन अदर का नाम दे दें जिससे ईजी हो जाएगा। 6 की जगह अपन मान लेंगे 3 डिपार्टमेंट है, ए बी और बाकी सारे अलग, बाकी सारे मतलब 4 डिपार्टमेंट अलग। अब उसने अपने को क्या बोला है कि टोटल एक्सपेंसेस 72,000 है, इस अमाउंट का 1/3 72,000 का 1/3 और बाकी रिमेनिंग का, रिमेनिंग का मतलब जो ऑटोमेटिक 2/3 बच गया। 72,000 का 1/3 होता है बेटा 24,000 रुपये और रिमेनिंग अमाउंट हो गया हमारे लिए 48,000। उसने स्पेशली लिख कर दिया है आपको कि टोटल 72,000 जो अमाउंट है उसका जो 1/3 है 24,000, उसको आपको 6 डिपार्टमेंट में, जैसा कि बात हुई थी अपनी 6 डिपार्टमेंट में इक्वल बांटना है। 24,000 रुपये का जो डेटा है उसको 6 डिपार्टमेंट में इक्वल बांटना है। अब तो कोई बच्चा भी कर लेगा, 24,000 रुपये को अगर अपन 6 डिपार्टमेंट में इक्वल बांटते हैं तो कॉमन सेंस की बात है 4,000 रुपये बढ़ गया। तो ए का बी का सी का डी का ई और एफ सबको कितने कितने पैसे मिलेंगे, 4,000 रुपये इक्वल बटा दिया। हम अकाउंटिंग केवल किसकी कर रहे हैं, ए और बी की, तो हम तो हमारा ए और बी का ही डेटा लिखेंगे। जो एडवाइज़र सी डी ए एफ की अकाउंटिंग कर रहा होगा वो वहाँ जाकर लिख लेगा 4,000 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 4,000 और 4,000, या नीचे लिख देंगे ब्रैकेट में टाइम रेशो या सॉरी इक्वल रेशो, टाइम वर्ड यूज ना लीजिएगा, इक्वल रेशो जैसा उसने बोला है। ये डिस्क्रिप्शन हो गया 24,000 का बंटवारा, बाकी 48,000 का उसने बोला कि आप इस 48,000 को सेल्स रेशो में बांटिए। अब ये दिक्कत हो गई, यहाँ 24,000 को उसने बोला था कि 6 डिपार्टमेंट है इक्वल बांटो, तो अपन ने 6 का भाग लगा दिया। अब यहाँ 48,000 को उसने बोला सेल्स रेशो में बांटो, तो 6 डिपार्टमेंट का सेल्स रेशो में बांटो, तो आपको पहले 6 डिपार्टमेंट की सेल पता होनी चाहिए, तभी तो आप उन सेल का रेशो निकालोगे, फिर जाकर आप उसको बांटोगे। तो अपन इस 6 डिपार्टमेंट की सेल ढूंढते हैं, ए बी सी डी ई और एफ, इन सब की अपने को चाहिए सेल्स, तभी जाकर उनका रेशो निकलेगा और उस रेशो में आप 48,000 को बांटेंगे। ए और बी की सेल तो आपको क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन थी, यहाँ से अपन लिख लेंगे 280 और बी की गिवन है 240। सी डी ई और एफ इन चारों डिपार्टमेंट के मिलाकर आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन में सेल गिवन है 280, एक क्यों गिवन है
अलग अलग क्यों नहीं गिवन है? क्योंकि हम सी डी ई एफ की अकाउंटिंग नहीं कर रहे, तो अगर उनका कोई अमाउंट क्लब में भी आएगा तो अभी हम यहाँ अकाउंटिंग नहीं कर रहे जो हमें अलग अलग चाहिए, इसलिए उन सबकी एक दे दी जिससे कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो अपन इनका रेशो निकाल सकते हैं, इस तरीके से काटेंगे 28 इसका रेशो, 24 इसका रेशो और 28 इसका रेशो, और अपन 6 के डिवाइड 7 के डिवाइड से 6 के डिवाइड से काट सकते हैं। या आपने 4 के डिवाइड से काट दिया तो आपका रेशो हो गया 7 6 7, तो इस 7 के थ्रू जो डेटा बनेगा वो ए का जाएगा, 6 वाला डेटा बी का जाएगा और इस 7 का जो डेटा है वो बाकी अदर्स का चल जाएगा। 7 6 7 मिलाकर बेटा 20 होता है, तो ए को मिलेगा इस अमाउंट को अपन इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो 7/20 इंटू 48,000 और बी का होगा 6/20 इंटू 48,000। इसके अलावा सी डी ई एफ का जो डेटा होगा वो भी 7/20 इंटू 48,000 होगा, लेकिन उसको अपने को बांटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसकी अकाउंटिंग अपन नहीं कर रहे। ये डिस्क्रिप्शन हो जाएगा आपका 16800 और 14,400। ये ए का अमाउंट है, इसी को यहाँ लिखेंगे सेल्स रेशो में, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट है 16800 14400। ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का डिस्क्रिप्शन हो गया, और जस्ट उसके बाद में आपको एक लाइन लिख कर दिया है कि जो डिपार्टमेंट में मैनेजर है वो अपनी अपनी सेल का 2% कमीशन चाहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी लाइन है, कमीशन चाहिए उनको 2% ऑन सेल का। तो अपनी अपनी जो सेल है, जैसे इसकी सेल कितनी थी बेटा 280 और इसकी सेल कितनी 240, 280 का 2% कमीशन चाहते हैं वो, 5600 रुपये इसका कमीशन, और 240 का भी 2% वो अपने से चाहते हैं, तो 4800 रुपये इसका कमीशन। और लास्ट पॉइंट आपको बोल रहा है 30 सितंबर को जब आप ईयर एंड करेंगे तो आपको अपने क्लोजिंग स्टॉक का 7% एज ए रिजर्व रखना है। आप यहाँ पर एक स्टॉक रिजर्व चाहते हैं, किसका कैलकुलेट करना है वो लिख कर दिया है उसने कि जो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक था 30 सितंबर को, उस अमाउंट का 7% आपको रिजर्व रखना है। तो क्लोजिंग स्टॉक का 7% मतलब 72,000 का 7% रिजर्व रखना है आपको, और सेकंड वाला जो डिपार्टमेंट है बी, उसमें आपको 32,000 का 7% रिजर्व बनाना है। ये आपका अपना अपना क्लोजिंग स्टॉक हो गया, इसके अलावा और कोई एक्सपेंसेस नहीं है। नाउ फिनिश दैट क्वेश्चन, इधर का टोटल लगाएंगे, अपने अपने डिपार्टमेंट का लेस कर देंगे, जो बच जाएगा वो हो जाएगा आपका नेट प्रॉफिट बैलेंस इन फिगर। यहाँ तक ये क्वेश्चन कंप्लीट है, इसमें कोई भी गुड्स ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, इसलिए किसी तरह का कोई अनरियलाइज प्रॉफिट की कैलकुलेशन नहीं हुई। अपन ने ये चेक किया ही नहीं है कि जो गुड्स ट्रांसफ़र है वो कॉस्ट प्राइस पर है या सेल पर है, क्योंकि ट्रांसफ़र हुआ ही नहीं है। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट कैसे किया जाए, एक्सपेंसिस का डिस्क्रिप्शन डिस्ट्रीब्यूशन अपन कैसे करें वो आपने समझ लिया। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, जो भी लिखेंगे जो भी समझे वो वीडियो को पॉज कर दोबारा देखिए। मैंने आपको दो बार बोला है ये क्वेश्चन कौन सा है, ये आपको पीडीएफ में दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ से क्वेश्चन डाउनलोड करेंगे तब जाकर आप इस क्वेश्चन को दोबारा समझें, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकेंड क्वेश्चन पर अपन चलते हैं, बहुत ही वैल्यूबल क्वेश्चन है, 2-3 साल पहले भी एक बार एग्जाम में पूछा था, बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आती है। ध्यान से सुनिएगा, अपन कंसेप्टली बात कर रहे हैं, कोई रटना नहीं चाहते अपन किसी भी पॉइंट को, क्यों हो रहा है ये पता होना चाहिए, हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। समझेंगे तो किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा तो आप कर पाएंगे। प्रॉब्लम नंबर सेकंड पर अपन चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा बेटा क्या क्या डिस्क्रिप्शन अपने को क्वेश्चन में गिवन है। पढ़ते हैं, आपको बोल रहा है 3 डिपार्टमेंट उन्होंने आपको दिए हैं एक्स वाई जेड। पहले अपन समरी बनाएंगे, स्पेशल ट्रांजेक्शन वो आपसे चाहता है एक्स वाई जेड, क्या क्या डिटेल है वो देखिए। तीनों डिपार्टमेंट की आपको इंडिविजुअल परचेज यूनिट्स के बने, यूनिट्स में कभी भी अकाउंटिंग नहीं होती है, पहली बात। यूनिट्स के साथ आपको रेट भी चाहिए जिससे कि आप यूनिट को रेट से मल्टीप्लाई करें और अमाउंट आ जाए, अमाउंट आएगा तभी ट्रेडिंग पीएनएल बनाया जा सकता है, इसलिए पहले अपन समरी बना रहे हैं। तीनों डिपार्टमेंट की बेटा आपको परचेजेज की यूनिट्स के बने, एक्स डिपार्टमेंट ने कितनी यूनिट खरीदी, लेकिन यूनिट के साथ आपको चाहिएगी रेट, तभी जाकर आप उसका क्या निकाल पाएंगे अमाउंट, और अमाउंट आने के बाद ही आप ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट बनाएंगे। तो देखो पहले अपन बेसिक जो समझे, यूनिट्स जो अपने को गिवन है वो एक्स डिपार्टमेंट ने 3000 यूनिट माल खरीदा है, वाई डिपार्टमेंट ने 6000 यूनिट माल खरीदा, और जो जेड डिपार्टमेंट है उसने 7200 यूनिट माल बाय करा।
इनकी रेट्स अपने को कहीं गिवन नहीं है कि एक्स ने जो 3000 यूनिट खरीदा वो 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये कौन सी रेट खरीदा। कॉमन सेंस की बात है, अगर अपने को रेट गिवन होती तो रेट लिखकर अपन मल्टीप्लाई कर परचेज का अमाउंट निकालते, जो अपने ट्रेडिंग अकाउंट में टू परचेजेस लिखने के काम आएगा वो यही अमाउंट आता है। इसने आपको रेट नहीं दी लेकिन आपके लिए एक हिंट दिया कि बोले तीनों डिपार्टमेंट की जो परचेजेस है वो जिस भी रेट से है तो रेट से मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट का टोटल आपको गिवन है बेटा 3 लाख रुपए। ये एक हिंट है बहुत बड़ा, टोटल परचेज का अमाउंट गिवन है आपको 3 लाख रुपए। मतलब आपको अगर दो डिपार्टमेंट का अमाउंट पता चल जाएगा तो तीसरा आप बैलेंसिंग कर पता लगा लेंगे। इसके लिए आपको पता है कि ये पूरा ग्रुप 3 लाख में आपने बाई किया है, इंडिविजुअल नहीं पता है, इंडिविजुअली फाइंड करना है जिससे कि अकाउंट जो बने तब आप इंडिविजुअल अमाउंट लिख पाए। आगे पढ़ते हैं और क्या डिटेल गिवन है। तीनों डिपार्टमेंट की आपको सेल गिवन है, सेल का मतलब जो माल आप बेच रहे हैं ऑब्वियसली बात है एक्स वाई जेड। इसमें भी आपको यूनिट्स गिवन है लेकिन इसके साथ हिंट के तौर पे आपको रेट भी गिवन है, तो यहाँ पर ये इजी हो गया क्योंकि यूनिट और रेट दोनों हैं तो आप मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाल लेंगे तो कम से कम सेल का तो डेटा कंप्लीट होता है। देखते हैं बेटा क्या क्या गिवन है। 3060 ये इनकी यूनिट है, इसकी भी रेट आपको गिवन है 3060, रेट आपको गिवन है बेटा 40 रुपये के हिसाब से। ऐसे वाई के अंदर जो आपके पास यूनिट्स गिवन है वो है 5760, इसकी भी आपको रेट गिवन है क्वेश्चन के 45 रुपीस। और लास्ट जो डिपार्टमेंट आपके पास जेड है वहाँ पर आपकी सेलिंग यूनिट गिवन है 7488 और वहाँ भी रेट गिवन है आपके 50 रुपये। तो यूनिट्स को रेट से मल्टीप्लाई कर अमाउंट आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, ये सेल का पूरा डेटा कंप्लीट हो जाएगा जो ट्रेडिंग में आप क्रेडिट में शो करेंगे। यहाँ पर कोई भी कैलकुलेशन के अलावा कोई पार्ट नहीं बचता है, परचेज में रेट मिसिंग है वो अभी अपन निकालेंगे। इसी के जस्ट आगे आप डिटेल पढ़ेंगे क्या क्या गिवन है। देखिए ढंग से, आपको क्लोजिंग स्टॉक के बारे में इन्फॉर्मेशन है, आपको क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन ये वापस से देखिएगा अधूरी इन्फॉर्मेशन है, आपको इसमें यूनिट्स ही गिवन है, रेट इस पर भी गिवन नहीं है। कोई बात नहीं, पहले जो अधूरी है वो तो देखिए। क्लोजिंग स्टॉक एक्स वाई जेड यूनिट्स, इसका मतलब क्वेश्चन अपने से रेट फाइंड करवाना चाहता है, जो मेन उसका फीचर है वो रेट ही है इस क्वेश्चन में। यूनिट्स गिवन है 300, 480 और 18, 300, 480 और 18। रेट अपने को कहीं नहीं है, जब तक रेट नहीं आएगी तब तक अमाउंट नहीं आ सकती और अब की बार इस अमाउंट का टोटल भी नहीं है। याद रखिएगा सेल का पैकेज उसने पूरा दे रखा है, यूनिट और रेट केवल मल्टीप्लाई करा और आपका काम कंप्लीट है सेल में, परचेज में रेट मिसिंग है, जब तक रेट नहीं आएगी तब तक अमाउंट नहीं आ सकती। मेन कैलकुलेशन जो है बेटा वो रेट की है, जस्ट उसके आगे क्वेश्चन पैक हो गया है, खत्म हो गया है, रेट फाइंड करना बात का टॉपिक है। ट्रेडिंग अकाउंट में चार जो सबसे बड़े मेन फीचर है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल एंड लास्ट क्लोजिंग स्टॉक। ढंग से देखिए, वेयर इज द ओपनिंग स्टॉक, कहाँ है ओपनिंग स्टॉक? कम से कम ओपनिंग स्टॉक की यूनिट तो होनी चाहिए, नहीं है तो अपन कोशिश तो करें कि ओपनिंग स्टॉक की यूनिट कहाँ है। पहले क्वेश्चन तो अधूरा है, क्वेश्चन ही अधूरा है, पहले क्वेश्चन तो पूरा करें, सॉल्यूशन बाद की बात है। तो पहले आपको ओपनिंग स्टॉक की यूनिट चाहिए, उसके बाद ही आप जाकर आगे चलेंगे। ओपनिंग स्टॉक की यूनिट आप कैलकुलेट कर रहे हैं, ध्यान से रखिएगा। इस कैलकुलेशन से हो सकता है क्वेश्चन में आपको ओपनिंग स्टॉक दे, क्लोजिंग मिसिंग कर दे, तो वो कैलकुलेशन भी इसी तरीके से होगी। कैसे की जाए ये वो देखिए, जो आपको सेल गिवन होता है, जो आपके पास सेल है, यूनिट्स में बात हो रही है, जो आपको सेल गिवन है उसमें से आप क्लोजिंग स्टॉक जोड़ दीजिए और आप अपना परचेज का जो यूनिट है वो माइनस कर दीजिए, तब जाकर जो आपका बचेगा वो ओपनिंग होएगा। इस फॉर्मूले से चारों डेटा में कुछ भी निकाल सकते हैं, सेल पे क्लोजिंग जोड़कर परचेज आप माइनस करेंगे तो इससे आपका ओपनिंग स्टॉक आएगा यूनिट्स में, पहले वो यूनिट में तो आए, उसके बाद जाकर आप डिटेल जो रेट फाइंड करना है वो सोचेंगे। एक्स वाई और जेड देखो, तीनों डिपार्टमेंट की सेल, क्लोजिंग और परचेज सामने लिख रहा है, यूनिट्स में बात करनी है, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है। एक्स में जो सेल में यूनिट है वो 3060 है, 5760, 7488 प्लस क्लोजिंग स्टॉक की जो यूनिट है वो आपको ऐड करनी है 300, 480 और 18 माइनस। ऐसा हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग हटा दे, ओपनिंग दे दे, तो वो इसी फॉर्मूले में होगा, क्लोजिंग को बाहर ले जाइएगा, ओपनिंग को अंदर लाइएगा, ऑटोमेटिक आप फाइंड कर लेंगे। माइनस आपको करना है परचेज यूनिट, परचेज यूनिट है आपके पास 3000, 6000 और 7200, 3000, 6000 और 7200, इसका जो रिजल्ट होगा
उसको आप ओपनिंग स्टॉक की यूनिट्स बोलेंगे। अब वो क्वेश्चन अधूरा कंप्लीट हो जाए, फिर अपन बस रेट फाइंड करेंगे जिससे क्वेश्चन कंप्लीट हो। इस कैलकुलेशन से ओपनिंग स्टॉक की यूनिट आ जाएगी 360 240। ये कहाँ से आ रही है? इसका कैलकुलेशन का रिजल्ट है, इनको ऐड कर दिया, 3000 को माइनस कर दिया, ऐसे ही वाई में और ऐसे ही जेड में। जेड में लास्ट में यूनिट आएगी 306। ये यूनिट आ गई, अब आपको चाहिए रेट, तब आपका होगा अमाउंट। अब आप सबसे मेन कंसेप्ट सीखिए। अभी तक अपन ने केवल क्वेश्चन लिखा है, उसके अलावा कोई कैलकुलेशन नहीं करी है, याद रखिएगा। परचेज गिवन थी, जितना गिवन था उतना पार्ट लिख दिया, क्लोजिंग जितना गिवन था उतना पार्ट लिख दिया, सेल पूरा गिवन था तो पूरा पार्ट लिख दिया, लेकिन ओपनिंग नहीं था तो पहले ये फॉर्मूला लगाकर ओपनिंग का अधूरा पार्ट जो यूनिट यूनिट का पार्ट है वो बना लिया। अब सबसे मेन जो फीचर रह गया, टू फाइंड आउट द रेट। अपने को परचेज की रेट चाहिए या अपने को ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक की रेट चाहिए? कॉमन सेंस की बात है बेटा, परचेज, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सबकी रेट एक ही होती है। ओपनिंग भी वही होता है जो माल खरीदा हुआ बचा है, क्लोजिंग भी वही होता है जो खरीदा हुआ बचा है, जिसको आप बेच नहीं पाए, तो तीनों की रेट एक ही होगी, अलग अलग दिमाग नहीं चलाना। और सबसे बेसिक मेन थिंकिंग ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में आपको सेल की रेट गिवन है, कॉमन सेंस की बात है, जो सेल्स की रेट होगी, सेल्स की रेट का मतलब बेचने वाली रेट, बेचने वाली रेट से तो कमी रेट होगी ना परचेज की या स्टॉक की। अगर बेचने वाली रेट ही परचेज की रेट में लगा दूं तो फिर क्वेश्चन ही क्यों कर रहा है, आदमी काम ही क्यों कर रहा है, खरीदना भी उतनी रेट से और बेचना भी उतनी रेट से, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो कंसेप्ट क्या बना अपना, पहला मेन, सबसे मेन चीज कंसेप्ट क्या सेट हुआ कि जो सेल्स की रेट होगी उस रेट में से प्रॉफिट हटाया जाए तो अपने पास किसकी रेट आ जाएगी बेटा, परचेज की रेट। इसका मतलब एक्स, वाई और जेड, इनकी जो सेल रेट है 40, 45 और 50, इन रेटों में से क्या हटाया जाए, प्रॉफिट। पता तो चले कि जो माल 40 में बेच रहे हैं उसमें कमाई कितनी है। अगर कमाई 10 है तो सिंपली सी बात है, आपने 30 में खरीदा होगा, कमाई 15 है तो 40 में से 15 हटाओगे तो पता चल जाएगा 25 में खरीदा होगा। तो अब मेन चीज़ जो आपको फाइंड करना है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट रेट, कि आपको कितने रुपए का प्रॉफिट, कितने परसेंटेज का प्रॉफिट हो रहा है, फिर उस परसेंटेज को अपन इन रेटों पर लगा देंगे और लेस कर देंगे तो आपकी परचेज रेट आ जाएगी। देन आप पुट ऑल द डेटा एंड कंप्लीट द क्वेश्चन। अब आप प्रॉफिट रेट फाइंड करें। एक बात आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट तब तक नहीं पता चल सकता है जब तक आपको खरीदने वाले माल की वैल्यू नहीं पता हो। आप माल कितना भी महंगा बेचें आप प्रॉफिट नहीं पता लगा सकते अगर आपको ये नहीं पता है कि माल मैंने खरीदा कितने में था। तो वो सीन यहाँ पर कहाँ एप्लीकेबल हो रहा है, ये जो परचेज का पूरा ग्रुप है, ये आपने कितने लाख में खरीदा, 3, तो मैं एक अंदाज़ा लगाकर इस पूरे ग्रुप को बेचूंगा जिससे मुझे पता चले ये ग्रुप कितने में बिका, माइनस ये ग्रुप कितने में खरीदा, इक्वल टू प्रॉफिट। ये कैलकुलेशन सर मैं क्लोजिंग पर क्यों नहीं कर सकता, मैं इसको भी बेच सकता हूँ अंदाजन तौर पर, लेकिन मुझे ये पता ही नहीं है कि मैंने ये खरीदा कितने में था, ये पूरा ग्रुप बाइड कितने में है। बेच तो दूंगा, मान लो 1 लाख में बिकता है, मुझे पता कैसे चलेगा 1 लाख में जो मैंने बेचा वो खरीदा कितने में था, तो मैं प्रॉफिट कैसे पता लगाऊंगा, क्योंकि मुझे इस पूरे ग्रुप की बाइंग वैल्यू नहीं पता। वही डिटेल ओपनिंग पर एप्लीकेबल होती है, मुझे इसकी भी बाइंग वैल्यू नहीं पता थी, तो केवल बाइंग वैल्यू मेरे को किसकी पता है, परचेज वाले गुड्स की। तो मैं एक अंदाज़ा लगाऊंगा, अज्यूम जो ऑल परचेज गुड्स हैं वो हम बेच रहे हैं, अज्यूम ऑल परचेज गुड्स हम बेचते हैं, अंदाज़ा लगा दें कि हम एक्स वाई जेड सब बेचते हैं, एक्स वाई जेड, इनमें यूनिट्स की बनती बेटा 3000, 6000 और 7200, इनको अपन सेल करेंगे। सेलिंग रेट आपको पता है 40, 45 और 50, उस हिसाब से आप इनको बेचेंगे तो 120 में ये बिकेगा, 270,000 में ये बिकेगा और 360,000 में आपका लगभग ये सेल हो जाएगा। तो ये पूरा जो सेलिंग है आपका वो 750 में होगा और आपने ये बाय कितने में करा था, टोटल 3 लाख में, तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने लाख का हो रहा है, 4.5 लाख। अब इस प्रॉफिट को आप परसेंटेज में डालिए, प्रॉफिट अपॉन सेल, 4.5 लाख अपॉन 750,000 इंटू 100, ईजीली ये परसेंटेज कन्वर्ट हो जाएगा बेटा 60 में। यहाँ ये रिजल्ट निकला कि आप कितने परसेंट प्रॉफिट कमाते हैं, 60% कमाते हैं सर, इसका मतलब जितने में माल बेचते हैं उसका 60% तो आपका प्रॉफिट ही होता है विदाउट एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैलकुलेशन। अब देखो यहाँ कितने में बेच रहे हैं अपन, ये माल 40 रुपये में, 40 रुपये में माल बेच रहे हैं और 60% प्रॉफिट है, 40 रुपये में बेच रहे हैं और 60% प्रॉफिट, तो बोले सर 40 रुपये का तो माल बेच दिया उसमें 60%, 40 का 60%,
24 रुपये तो प्रॉफिट ही हो गया सर, तो परचेज रेट कितनी हो गई 16, 45 में माल बेच रहे हैं 60% प्रॉफिट, 45 का 60% 27 होता है, तो 18 रुपये ही आपकी कॉस्ट है, और 50 रुपये में बेच रहे हैं जिसमें 60% कमाते हैं हम, तो 50 का 60% 30 रुपये तो हम कमाते ही हैं, तो ओरिजिनलिटी में जो बाइंग रेट है वो कितनी होगी बेटा 20, ये आपकी परचेज रेट आ गई। यहाँ पर आप इनको मल्टीप्लाई कर कर पुट कर सकते हैं, रेक्टिफाइड ये चेक हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका अमाउंट आएगा और अमाउंट का टोटल आपका मैच हो जाना चाहिए, तभी जाकर आपको ओरिजिनलिटी में जो क्वेश्चन है वो सही होगा। ऐसा ही आप ओपनिंग पर रेट लगाकर 16, 18 और 20, इनसे आपका ओपनिंग स्टॉक का डेटा आ जाएगा, इनसे आपका क्लोजिंग का डेटा, और ये आपका परचेज का, ये आपका सेल का, देन आप सिंपल ट्रेडिंग अकाउंट बना दीजिएगा, ओपनिंग परचेज सेल क्लोजिंग, जो डिफरेंस बचेगा वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पहले जो जो चीज़ गिवन थी वो लिखा अपन ने, ओपनिंग स्टॉक की यूनिट फाइंड करके पूरे क्वेश्चन को एक लेवल पे लिया है कि परचेज में भी यूनिट, क्लोजिंग स्टॉक में भी यूनिट, ओपनिंग स्टॉक में भी यूनिट, फिर अपन ने एक अंदाज़ा लगाया कि अपन इस परचेज वाले को बेचें तो क्या कमाई हो, अंदाज़ा केवल इस पे ही इसलिए लगा क्योंकि इसकी ही बाइंग रेट मुझे पता है, तो मैंने इसको अंदाज़ा लगाकर बेचा तो मुझे पता चला इतने रुपए तो मैं कमाता हूँ, इतने परसेंट तो मेरी कमाई है, तो जितने मैं बेच रहे हो उसमें से जितना कमा रहे हो वो हटा दो, ऑटोमेटिक आपको स्टॉक की या परचेज की जो रेट है वो पता चल जाएगी, वो रेट आप अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई कर आप ट्रेडिंग अकाउंट जो नॉर्मल है वो बना दीजिए। समझ में आ गया होगा आपके, वीडियो पॉज करके आप दोबारा देख लीजिएगा कि अपन ने कैसे किया है। अब अपन थर्ड प्रॉब्लम पर चलते हैं, सबसे ज़्यादा यूजफुल प्रॉब्लम जो है वो आपके लिए ये काम आती है, जब अपन एक्सपेक्टेड सेल से एक्चुअल सेल पर जाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम आपके सामने आती है। वीडियो को एंड तक देखिएगा बेटा, इसके बाद अपन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो अपन ने अभी समझा था उसका भी अपन एक क्वेश्चन लेंगे, जिससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी दूर हो जाए। अब अपन प्रॉब्लम नंबर थर्ड पर चलते हैं, देखिए कैसे क्या किया जाएगा वो समझिए। प्रॉब्लम नंबर थर्ड ईजी है लेकिन बहुत ट्रिकी टॉपिक होता है, पढ़ते हैं। आपको क्वेश्चन में तीन डिपार्टमेंट है, ओपनिंग स्टॉक परचेज सब अपने को बेसिक गिवन है, तो तीन डिपार्टमेंट के हिसाब से आप लाइनिंग प्रिपेयर कीजिएगा, काफ़ी यूजफुल कंटेंट है, एक्स वाई जेड इस तरीके से आपको तीन डिपार्टमेंट इन्होंने गिवन दे रखे हैं। तीनों डिपार्टमेंट में क्या क्या डिटेल है वो देखते हैं, तीनों डिपार्टमेंट का आपको ओपनिंग स्टॉक परचेज दिखते हैं, तीनों डिपार्टमेंट का आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है वो अपन यहाँ पर लिख लेंगे। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ को डेटा लिखकर ही समझा जाए, आपके पास इस क्वेश्चन की जो PDF फाइल है वो नीचे डाउनलोड कर रखी है आपने, वहाँ से देखकर भी आप प्रैक्टिस के तौर पर ओपनिंग स्टॉक में डेटा लिख सकते हैं। 108 आपको इसका ओपनिंग स्टॉक गिवन है, 160,000 आपको इसका गिवन है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन कौन से हैं, अपन क्या सॉल्व कर रहे हैं, इसके लिए नीचे आपको PDF दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड करें फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। उसके बाद आपको परचेज गिवन है, आप परचेज लिखेंगे, परचेज का डेटा आपको गिवन है 6 लाख रुपीस, 5 लाख रुपीस और 2 लाख रुपीस, ये आपको परचेज का डेटा गिवन है। उसके जस्ट नीचे आपको सेल्स गिवन है, एक्चुअल सेल, एक्चुअली होती है बेटा सेल, नॉर्मल सेल तो वो होती है जितने में अपन माल को बेचना चाहते हैं, चाहने वाले डेटा कभी भी अकाउंटिंग में नहीं आते हैं, चाहने वाले डेटा कभी भी ट्रेडिंग P&L में नहीं आते हैं, जो होता है रियलिटी जितने के बिल्स कटते हैं वही यहाँ पर डेटा शो होता है, उसको एक्चुअल सेल बोलते हैं। एक्चुअल सेल गिवन है आपको 7 लाख 6 लाख रुपए और 3 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, 6 लाख रुपए और 3 लाख रुपए। अब वही दो कैलकुलेशन रह गई, या तो आपको यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक गिवन होना चाहिए जिससे आप इधर का क्लोजिंग फाइंड करें, और या फिर आपको GP गिवन होना चाहिए जिससे कि आप GP लिखकर क्लोजिंग स्टॉक को बैलेंसिंग करें। क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है वो ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में है, इसका मतलब बेसिक डिटेल यही है कि जो बचेगा वो क्लोजिंग ही बचेगा। अब GP के बारे में समझिए क्या क्या गिवन है। ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में नीचे वर्किंग नोट में समझ रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है ऑन नॉर्मल सेल्स, GP जो गिवन है बेटा वो नॉर्मल सेल XYZ, अपनी अपनी सेल का GP गिवन है 20, 25 और 30%, 20, 25 और 30। अब ध्यान से सुनिएगा, ये अपन ने क्वेश्चन लिखा है जो GP गिवन है वो नॉर्मल सेल पर गिवन है। सबसे मेन पार्ट क्या है क्वेश्चन का कि सेल जो गिवन है वो है एक्चुअल और जो GP जो गिवन है वो है नॉर्मल सेल। अगर GP भी अभी एक्चुअल सेल पर गिवन होता तो अपन इस सेल का इतना इतना परसेंट निकालते और वो यहाँ लिख कर टोटल लगाकर क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर कर देते, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। लेकिन यहाँ से इन चेंज है, यहाँ गिवन है आपको एक्चुअल सेल
और जीपी जो है वो है आपके पास नॉर्मल सेल। अब आपको दोनों को एक पैरामीटर पर लाना पड़ेगा, आपको एक्चुअल सेल को नॉर्मल सेल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिससे कि वो जो नॉर्मल सेल है उस पर ये डेटा एप्लीकेबल, ये परसेंटेज एप्लीकेबल हो पाए। तो पहले आपको जो सेल है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए बेटा, एक्चुअल जो सेल है उसको आप कन्वर्ट करेंगे इन नॉर्मल सेल्स, जिससे कि नॉर्मल सेल आ जाएगी, फिर वो नॉर्मल सेल और ये जो डेटा गिवन है, परसेंटेज गिवन है, ये इक्वलेंट पैरामीटर है, तो उस पर आप इतना इतना परसेंट अप्लाइड कर सकते हैं। अब अपन कन्वर्ट करके देखते हैं एक्स वाई जेड। इसकी एक्चुअल सेल गिवन है आपके पास 7 लाख रुपये, इसकी एक्चुअल सेल गिवन है 6 लाख रुपये और इसकी एक्चुअल सेल गिवन है 3 लाख। तीन अलग अलग लोगों ने अपने को ट्रांजेक्शन नीचे दे रखे हैं कि एक्चुअल में कितने में करते थे, नॉर्मल में कितने में करते थे। नीचे आपको एक्स में बोल रहा है कि 20,000 में अपन एक्चुअल ट्रांजेक्शन करते थे, लेकिन नॉर्मल में वही ट्रांजेक्शन 30,500 में होता है। तो 20,000 का डेटा कन्वर्ट करना है 30,500 में, तो 20,000 का डेटा 30,500 में, इसका मतलब आपको 10,500 प्लस करने पड़ेंगे। प्लस करेंगे आप 10,500। ऐसे वाई में जो ट्रांजेक्शन है, एक्चुअल में आप 6,000 का माल बेचते, नॉर्मल वे में वो 10 का बिकता। एक्चुअल से नॉर्मल जाना है बेटा, तो 6 से 10 जाना है, 10 से 6 मत आ जाना, 6 से 10, 6 से 10 जाने का मतलब 4,000 प्लस हो गए। और थर्ड कैटेगरी में 2,000 का एक्चुअल है, नॉर्मल में 4 है, तो 2 से 4 जाना है, 2 से 4 जाने का मतलब 2,000 प्लस हो गए। ये आपकी कन्वर्ट हो गई बेटा नॉर्मल सेल। अब आपका ये नॉर्मल सेल पर आप नॉर्मल जीपी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही पैरामीटर है, वो भी नॉर्मल सेल और ये भी नॉर्मल सेल पर ही जीपी, मतलब इस पे जितना जितना परसेंट आपको लगाना है, 20, 25 और 30, ये 20% इसका अप्लाई करना है, 25 आपको इसका अप्लाई करना है और 30% आपको इसका अप्लाई करना है। 20% के हिसाब से जो डेटा बनेगा वो बनेगा आपका 1421006 04 का, जो 25% के हिसाब से डेटा बनेगा वो आपका बनेगा 151 और लास्ट 302 का जो 30% आपका डेटा बनेगा वो 90600। अभी मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, ये क्या चीज़ आ गई है आपकी नॉर्मल जीपी, याद देख लीजिए वापस, ये आपकी हो गई है नॉर्मल जीपी, एक्स वाई और जेड, 1421001510090600। ये आपका होता है नॉर्मल जीपी। अभी मैंने आपको बोला था नॉर्मल और एक्चुअल में फ़र्क क्या होता है। एक्चुअल वो जो रियलिटी है, नॉर्मल वो जो एक्सपेक्टेशन है, आप जो अंदाज़ा लगा रहे हैं। तो ये कौन सा डेटा आया, ये कौन सा प्रॉफिट है, ये नॉर्मल जीपी, जितने रुपए का आपने अंदाज़ा लगाया था कि हम इतना रुपया कमा लेंगे, उतने रुपए को अकाउंटिंग थोड़ी ना करते हैं, उतने रुपए से अकाउंट्स में थोड़ी ना शो कर देंगे, गलत है, बेवकूफ़ है अपन अगर ऐसा करते हैं। अब आपको नॉर्मल जीपी को कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्चुअल जीपी में। बोले सर ये क्या कर रहे हो, पहले सेल को नॉर्मल सेल पे कन्वर्ट कर दिया, फिर जीपी जो है अब उसको वापस एक्चुअल पर कर रहे हो, तो अपने पास वो ऑप्शन नहीं है। पहले आपको ग्रॉस प्रॉफिट नॉर्मल सेल पर गिवन था, इसलिए सेल को आपने कन्वर्ट किया, अब आप जीपी को कन्वर्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा, अब लाइन पढ़ेंगे, नॉर्मल जीपी विल बी कन्वर्टेड इन एक्चुअल जीपी, नॉर्मल से एक्चुअल जीपी में कन्वर्ट कीजिए। तो नॉर्मल वाला वर्ड पहले देखिए, 30,500 में नॉर्मल माल बिकता, जबकि एक्चुअल में वो माल 20,000 में बिका, तो जो माल 30,000 में बिकता वो माल आपने 20,000 में बेच दिया, तो इसका मतलब है 10,500 रुपये का आपका प्रॉफिट में लॉस हो गया, ये आपका कम हो जाएगा। ऐसे सेकंड वाला जो लॉजिक है, 10,000 में राजी राजी वो माल बिक सकता था, लेकिन एक्चुअल में आपने वो 6 में बेचा, तो 4,000 रुपये का प्रॉफिट में आपको नुकसान हो गया। और लास्ट कैटेगरी में 4,000 रुपये में आप नॉर्मल माल बेच रहे थे, लेकिन वो माल 2,000 में ही आप बेच पाए, तो 2,000 का आपको फिर वापस से प्रॉफिट में लॉस हो गया। तो ये जो डेटा बनेगा ये आपका हो जाएगा एक्चुअल जीपी, जिसको आप अकाउंट्स में ले जा सकते हैं। नॉर्मल जीपी पर अकाउंटिंग नहीं होती है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स को अकाउंट में नहीं लिखते हैं। देखिए इसकी कैलकुलेशन आप कर लेंगे, 147 आपका एक्चुअल जीपी हो जाएगा और 88600 ये लास्ट वाले डिपार्टमेंट का एक्चुअल जीपी है, एक्चुअल जीपी ही आप अकाउंटिंग में शो करेंगे। अब आप यहाँ पर ले आएंगे इसको, 147 आपका इसका प्रॉफिट है और 88600, ऐसे करके आपका ये पूरा ट्रेडिंग अकाउंट हो जाएगा, जो बैलेंस बचेगा वो आप क्लोजिंग स्टॉक की तरफ शो कर देंगे, ये जाकर आपकी पूरी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, ग्रॉस प्रॉफिट नॉर्मल सेल पर गिवन था और क्वेश्चन में जो सेल थी वो एक्चुअल सेल थी, तो पहले एक्चुअल सेल को नॉर्मल सेल पर कन्वर्ट करेंगे, जिससे वो परसेंटेज अप्लाई हो पाए,
फिर नॉर्मल सेल पे वो परसेंटेज अप्लाई कर देंगे तो वो नॉर्मल जीपी आ जाएगा। फिर बाद में अपने को दिमाग चलाना चाहिए कि नॉर्मल जीपी से तो अकाउंटिंग होती ही नहीं है, नॉर्मल जीपी तो अकाउंट्स में शो कर ही नहीं सकते, एक्सपेक्टेड जीपी को नॉर्मल जीपी बोलते हैं, तो फिर उस नॉर्मल जीपी को कन्वर्ट कर देंगे एक्चुअल जीपी में। फिर वो जो एक्चुअल जीपी आएगा उसको आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में शो कर देना, जो बैलेंस बचेगा वो क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। देखिए ये प्रॉब्लम कंप्लीट होती है। अब अपन एक बेहद टफ प्रॉब्लम लेंगे जिससे आपको अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का जो कंटेंट है वो पूरा क्लियर हो जाए। काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है वो, जिससे दिक्कत नहीं आए। लास्ट ईयर के एग्जाम में भी पूछा गया था, इट मे बी कि वो रिपीट कर दिया जाए अपने को। इस टॉपिक को, इस प्रॉब्लम को समझने से आपका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का जो कंटेंट है वो कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। बेहद वैल्यूबल प्रॉब्लम है बेटा, ध्यान से समझिएगा। प्रॉब्लम नंबर 4, आप क्वेश्चंस का पीडीएफ डाउनलोड करके देखिएगा इन प्रॉब्लम्स को, तभी जाकर आप क्लियर कर पाएंगे। दो डिपार्टमेंट अपने को गिवन है, क्लोथ डिपार्टमेंट और रेडीमेड डिपार्टमेंट, दो ही डिपार्टमेंट है, नाम यहाँ पर ए और बी नहीं है, यहाँ क्लोथ और रेडीमेड डिपार्टमेंट के नाम से दो डिपार्टमेंट है। ध्यान से समझिएगा, अपन शॉर्ट में सी और आर लिखकर इस प्रॉब्लम को समझते हैं। ट्रेडिंग पी एंड एल, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल बेसिक्स, पहले क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है वो देख लें, जिससे कुछ पार्ट तो अपना क्वेश्चन का सॉल्व हो जाए। दोनों डिपार्टमेंट का आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है, दोनों ही डिपार्टमेंट का आपको परचेज भी गिवन है। तो पहले अपन वो डेटा लिख लें जो ईजिली आपको मिल रहा है। दोनों डिपार्टमेंट का आपको ओपनिंग स्टॉक है, दोनों ही डिपार्टमेंट का परचेज दे रखा है 300,000 रुपये और 50,000, ये आपको इनका ओपनिंग स्टॉक है। ऐसे ही आपको इनकी परचेजेस गिवन है 20,00,000 रुपये और 15,000 रुपये। इसकी परचेज काफ़ी ज़्यादा है, आर माल नहीं खरीदता है, इसका मतलब 15,000 रुपये। और जस्ट उसके बाद आपको इनका सेल गिवन है 22,00,000 रुपये और 4,500,000 रुपये। बाय सेल्स 22,00,000 रुपये और 4,500,000 रुपये, ये इनकी सेल गिवन है। सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन इसके जस्ट नीचे का जो आपको बोल रहा है, ट्रांसफ़र करता है सी आर को। मैंने आपको पहले भी समझाया इस वीडियो में, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र कर रहा है, तो बेसिक पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ट्रांसफ़र हो रहा है ये कॉस्ट प्राइस पर हो रहा है या मार्केट प्राइस पर। क्वेश्चन में सेकंड लाइन में ही ऊपर लिख दिया है कि जो ट्रांसफ़र हो रहा है ये मार्केट प्राइस पर हो रहा है, मतलब ये सेलिंग प्राइस पर हो रहा है। मतलब आपको इस क्वेश्चन में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का कंटेंट मिलेगा। ट्रांसफ़र आप कर रहे हैं बाय ट्रांसफ़र, आपको वीडियो में बोला था अगर ट्रांसफ़र आप सेलिंग प्राइस पर करते हैं तो ये टू ऑप्शंस कि आप इस ट्रांसफ़र को सेल में मर्ज कर सकते हैं। सी आर को ट्रांसफ़र लगा रहा है, तो सी एज ए सेलर हो गया और आज एज ए बायर हो गया, तो उस केस के अंदर आपने ये ट्रांसफ़र लगाया है 300,000 रुपये का, तो आप चाहें तो 300,000 रुपये को उस 22,00,000 में मर्ज कर सकते हैं। और इधर की साइड में जो रिसीविंग पार्टी है वो चाहे तो वो अपने परचेज में उस ट्रांसफ़र को लिख कर ऐड कर सकती है, मतलब आप चाहें तो 315 शो कर सकते हैं और आप यहाँ चाहें तो इस सेल को 25,00,000 मान सकते हैं। एक्सपेंसेस आपको दो गिवन है, एक मैन्युफैक्चरिंग और एक सेलिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग तो ट्रेडिंग का पार्ट होता है क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आपको गिवन है सेकंड डिपार्टमेंट में केवल 60,000 के। सेलिंग एक्सपेंसेस अभी यहाँ शो नहीं कर सकते, पी एंड एल का पार्ट है। और जस्ट उसके नीचे आपको क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है, तो कम से कम ट्रेडिंग का जो पार्ट है वो पूरा गिवन है। ग्रॉस प्रॉफिट की इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक दे दिया, तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑटोमेटिक बैलेंसिंग हो जाएगा 200,000 रुपये और 60,000 रुपये। ये दोनों डिपार्टमेंट का आपको ट्रेडिंग का पूरा इन्फॉर्मेशन है। अपन इन सबको आपस में बैलेंसिंग करके जीपी आप यहाँ पर फाइंड कर लेंगे, जिससे आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट तक का कंटेंट है वो कंप्लीट हो जाए। ग्रॉस प्रॉफिट की जब आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो यहाँ 400,000 रुपीज़ आ जाएगा और यहाँ 85 आ जाएगा। अब इसको पी एंड एल पे लेके चलते हैं, बाय ग्रॉस प्रॉफिट पी एंड एल पे चलते हैं। ध्यान रखिएगा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का इफेक्ट ट्रेडिंग और पी एंड एल पर नहीं पड़ता है, वो एक एडजस्टेड पी एंड एल का पार्ट है, इसलिए कम से कम वो पॉइंट जब तक नहीं हो जब तक तो क्वेश्चन अपन कर ही सकते हैं। यहाँ पर अब एक्सपेंसेस पी एंड एल के आपको ऊपर ही गिवन था एक एक्सपेंसेस, जिसको आप सेलिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं, तो सेलिंग एक्सपेंसेस आप शो कर सकते हैं 20,000 रुपये और 6,000 रुपये आपको सेलिंग एक्सपेंसेस गिवन है, वो आपने यहाँ शो कर दिया। और लास्ट लाइन में आपको बिल्कुल क्वेश्चन की लास्ट लाइन में एक जनरल एक्सपेंसेस गिवन है, तो आप जनरल एक्सपेंसेस जो है उसको अकॉर्डिंग टू सिंपल सेल्स रेशो में बांट सकते हैं। जनरल एक्सपेंसेस को आप सेल्स रेशो में बांट लीजिएगा 220 और 45, वो जो डेटा बनेगा आपका वो आप यहाँ पर शो कर देंगे 91320 और लास्ट में 18680। इसके अलावा पी एंड एल का कोई एक्सपेंसेस नहीं है, आप इनको माइनस करके जो है वो आप नेट प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे।
ये नेट प्रॉफिट आ जाएगा आपका 288,680। अब सबसे मेन पार्ट है आपका जो इसके आगे अनरियलाइज प्रॉफिट पर अपन चलेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, सबसे मेन चीज कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। सर ये क्यों हो रही है कैलकुलेशन, वो पता होना चाहिए। मैंने आपको बोला था कि जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र लगाता है तब ये कैलकुलेशन होने के चांसेस बनते हैं, पर ये 100% कब होती है कैलकुलेशन, जब ट्रांसफ़र लगाए सेलिंग प्राइस पर। क्वेश्चन की सेकंड लाइन में ही लिखा हुआ था कि जो ट्रांसफ़र लगाया सी ने आर को वो सेलिंग प्राइस पर लगाया, तो आर कौन है, रिसीविंग पार्टी। आर को मिला होगा महंगा माल, दिया किसने होगा, सी ने। तो आपको पता होना चाहिए कि सी ने आर को कितने परसेंट महंगा माल दिया और आर अपने पास जो माल रिसीव किया उसमें से कितना नहीं बेच पाया। बस यही टॉपिक है, ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। समझिए कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, सी ने आर को ट्रांसफ़र लगाया, सी ट्रांसफ़र करने वाला है तो जो कमाई होगी वो सी को होगी। तो पहले आप कैलकुलेट करेंगे बेटा जीपी रेशो सी का। मैंने आपको बताया था जीपी रेशो कैसे निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल प्लस ट्रांसफ़र माइनस रिटर्न इनटू 100। तो देखिए इस कैलकुलेशन के बेस पे जीपी रेशो निकाल सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट अपने पास गिवन है 4 लाख रुपीस, सी की बात हो रही है क्योंकि सी ही ट्रांसफ़र लगा रहा है, आर वापस सी को नहीं लगा रहा है ट्रांसफ़र, वरना अपन आर का भी ये कैलकुलेट करते हैं। जीपी अपने पास है 4 लाख रुपए अपॉन सेल्स 22 लाख और 25 लाख रुपए हो जाएगा इंक्लूडिंग ट्रांसफ़र इनटू 100। तो जीपी रेशो हो जाएगा 16%। इससे ये डिसाइड होगा कि सी ने आर को जो माल दिया वो 16% महंगा दिया। अब आर के पास जो माल रिसीव हुआ, जैसे कितना हुआ था आर के पास माल रिसीव, 3 लाख। अब उस माल में से कितना माल बचा, बस वो कैलकुलेट करिए। वो क्वेश्चन की लास्ट लाइन को ढंग से पढ़िए, उसमें आपको गिवन है कि कितने का माल आपके पास बचा। लास्ट लाइन में आपको बोल रहा है कि जो रेडीमेड डिपार्टमेंट है, जो आर है आपके पास, उसके पास जो स्टॉक है उसका 75% पार्ट फ्रॉम सी का है। आर के पास जो स्टॉक है, ध्यान से देखिए, आर के पास जो स्टॉक है क्लोजिंग वो 60,000 का है, इसका 75% पार्ट फ्रॉम सी से आया है। 60,000 का जो बचा हुआ माल है उसका 75% इसको सी ने दिया है, और ये बात पहले ही हो गई थी कि जब सी आर को माल देगा तो 16% महंगा देगा। 60,000 का 75%, 45,000 रुपये का माल सी के पास फ्रॉम आर से आया है, सॉरी आर के पास वो माल फ्रॉम सी से आया है। सी ने उसे ये 45,000 का माल 16% प्रॉफिट जोड़ कर दिया था, तो ये ऑटोमेटिक इतने रुपए का गुड्स जो है वो ओवर वैल्यूड हो गया 45,000 का 16%। तो इस वाले स्टॉक में 7,200 रुपीज़ का प्रॉफिट इंक्लूड है। पर ये वाली जो लाइन आपको लिख के दी है, ये कहीं मेंशन नहीं है कि ये लाइन आपको क्लोजिंग स्टॉक पे एप्लीकेबल करनी है। उसने ये डिस्क्रिप्शन केवल स्टॉक पर दिया। स्टॉक पर देने का मतलब हो गया ये लाइन ऑटोमेटिक क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों पर एप्लीकेबल हो गई। तो ये कैलकुलेशन आपने क्लोजिंग की कर ली, ऐसे ही ये कैलकुलेशन सेम ओपनिंग की करनी पड़ेगी। आर के पास देखिए ओपनिंग स्टॉक यहाँ से दिख जाएगा आपको 50,000 गिवन है, सेम वही लाइन आप यहाँ लगाएंगे, 50,000 का 75% मतलब 37,500 जो है वो फ्रॉम सी से है। तो सी ने भी ये माल महंगा दिया था, ओपनिंग पर परसेंटेज लास्ट ईयर की एप्लीकेबल होगी। अगर क्वेश्चन में लास्ट ईयर की परसेंटेज नहीं गिवन है तो आप ये 16% लगा सकते हैं। क्वेश्चन की लास्ट लाइन में देखिएगा, आपको लास्ट ईयर की 15% जो परसेंटेज है वो गिवन है। तो 37,500 का 15% 5,625 रुपीज़, ये प्रॉफिट ओपनिंग स्टॉक पर इंक्लूड है और ये प्रॉफिट क्लोजिंग स्टॉक पर इंक्लूड है। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट अलग अलग साइड में शो होता है, इसलिए आप इसका सेटलमेंट कर देंगे कि टोटल आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 7,200 रुपये का प्रॉफिट क्लोजिंग स्टॉक पर और 5,625 रुपये का प्रॉफिट ओपनिंग स्टॉक पर, तो 1,575 रुपये का टोटल आपका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट बचेगा। उसको आप यहाँ पर अकाउंटिंग में लेके आएंगे टू अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट को पहले नीचे शो कर दीजिएगा, बाय में बाय नेट प्रॉफिट 288,680 और 60320, और यहाँ पर आप टू अनरियलाइज्ड प्रॉफिट शो कर दीजिए आर वाले डिपार्टमेंट में 1,575, और यहाँ निकाल दीजिएगा टू एक्चुअल नेट प्रॉफिट। इधर का टोटल यही रह जाएगा, उसमें से आप ये नॉट डेटा लेस करके एक्चुअल नेट प्रॉफिट निकाल दीजिए। ये कंप्लीट कैलकुलेशन है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की।
इस वीडियो में जो नीचे पीडीएफ फाइल दे रखी है वो आप डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद ही आप ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, तभी आपको एक प्रॉब्लम जो है कंप्लीट समझ में आएगी। थैंक यू।